क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक शानदार अनबॉक्सिंग लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो में हमारे साथ है, दिख तो गया ही आपको, ओप्पो K10 5G। ये स्मार्टफोन डब्बे के बाहर से सेम टू सेम वैसा ही डब्बा है जैसे ओप्पो K10 का है, लेकिन अंदर जो स्मार्टफोन है ना वो काफी अलग है। वो स्टाइलिश स्मार्टफोन आपको मैं फटाफट दिखाता हूं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी पन्नी, इसको उतारा जाए, ये पन्नी हट गई है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये काला काला, यार इसे हटाओ यार, इसके अंदर इसे हटा के हमें देखने को मिलता है ये शानदार स्मार्टफोन। ये पन्नी को उतार के देखा जाए कैसा लग रहा है ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि काफी बड़ा कैमरा बम्प है लेकिन अच्छा लग रहा है। ओशियन ब्लू कलर में है ये स्मार्टफोन, दिखने में काफी प्रीमियम लग रहा है, स्टाइलिश है और काफी पतला है। अब देखते हैं फटाफट इसके अंदर और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसको हटा के देखा तो भाई यहाँ चार्जर मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, चार्जर मिल रहा है आपको। 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है। ओप्पो ज्यादा 33 ही देता है यार, और कोई है नहीं इनके पास इससे ज्यादा फास्ट। फिर इसके साथ में यहाँ पे आपको डेटा केबल देखने को मिल गई है। अब यार यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि इस काले डब्बे के अंदर इसका केस होना चाहिए। और देखिए जो जैसा मैंने बोला था, इसके अंदर इसका केस है और उसके साथ में ये कुछ पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों को कोई नहीं पढ़ता। ये सेफ्टी गाइड आ रहा है यार, इसे साइड रखो। ये केस काफी अच्छी क्वालिटी है, जैसे ओप्पो हमेशा ही अच्छी क्वालिटी केस देता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। और काफी अच्छे से बैंड भी हो रहा है तो खराब भी आसानी से नहीं होगा। फोन पे लगाने के बाद भी केस काफी अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन। वैसे देखा जाए तो फोन पे केस लगाने की मुझे कोई खास जरूरत लगती नहीं, तो चलो इसे उतार देते हैं। लेकिन हाँ, फोन बिना केस के भी इस पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं छप रही है भाई। दिखने में कलर के साथ साथ वैसे भी काफी यूनिक लग रहा है। डुअल कैमरा दिया गया है और डुअल आपको फ्लैश लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। काफी अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन। सबसे पहले इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ओप्पो K10 5G में आपको डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज और रैम के सिर्फ सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है, 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको रैम एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं 5GB तक। तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक रैम भी हो जाती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज, तो आई थिंक सफिशिएंट ही हो जाता है। और उसी के साथ इसमें आपको डुअल कैमरा दिया गया है। ये जो कैमरा बम्प आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर कैमरा बम्प है। ये जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में 2 फ्लैश दी गई हैं इसमें आपको। तो जैसे मतलब फ्लैश का इस्तेमाल वैसे फोटोग्राफी में कम ही करा जाता है, लेकिन फिर भी आपको डुअल फ्लैश भी मिल जाती है। साथ में आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, मतलब फ्रंट सेल्फीज भी अच्छी आ सकती है। अब इसको ये कैसी फोटोग्राफी कैच करता है, कैसी फोटो ये क्लिक करता है फ्रंट से और बैक कैमरा से, और वीडियोग्राफी कैसी करता है, ये तो रियल टाइम टेस्ट करके हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि यार इन दोनों में ही, मतलब बैक कैमरा में भी आपको 4K रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही आपको फ्रंट में मिलता है। तो ये एक पॉइंट वो था जो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्क्रीन है, इसमें 6.56 इंच की 90Hz की स्क्रीन दी गई है। काफी बड़ी स्क्रीन है, एक हैंडी है लुक में, काफी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया या बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। जो एक आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है इस वक्त उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। अर्गोनॉमिक है, हाथ में से गिरने वाली ग्रिप नहीं है, और खासकर क्या फायदा है कि ये राउंड ग्रिप में नहीं है, मतलब जो साइड जो है इसकी वो कर्व नहीं है, वो स्क्वायर जो बॉक्स टाइप शेप होता है उसमें जो है होता है। तो आपको फायदा क्या होता है ना इससे कि फ्लैट इस बैक और फ्लैट साइड से आपको फायदा ये होता है कि आपको ग्रिप, एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है। स्मार्टफोन आप कितना ही बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आसानी से गिरने वाला नहीं है। बैक में बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं छपती, मतलब अगर आप कहें मैं कितना ही कोशिश कर लूं नहीं छपती है भाई, इस पे बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं छप रही है। कलर काफी अच्छा है, कलर 2 कलर कॉम्बिनेशन में आया है। एक मिडनाइट ब्लैक है जो कि काफी अच्छा लगता है, उसमें भी इसी तरह से ग्लॉसी सा लुक है। और साथ में ये दूसरा है ओशन ब्लू, ये भी एक ग्लॉसी लुक के साथ आता है और काफी शाइनी है। आपको बैक में साथ में कवर दिया गया है, लेकिन आप मुझे नहीं लगता आपको कवर की कोई खास ऐसी जरूरत पड़ने वाली है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर दे दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर है। आपको यहाँ पे 3.5 जैक भी दिया गया है जो कि आजकल बहुत ही कम
स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। खैर आजकल खैर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं रह गई है क्योंकि ज्यादातर लोग ब्लूटूथ स्पीकर्स या ब्लूटूथ ईयरबड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, कौन ही आजकल वो 3.5 mm जैक लगाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 3.5 mm जैक चाहिए या आप अपने किसी ऐसी आप अपने मम्मी पापा को एक अच्छा स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं जो इस तरह के ईयरबड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं या उन्हें नहीं पसंद आते, उन्हें वो वायर वाले की ही आदत है, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आजकल ये ऑप्शन बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। साथ में इसकी स्क्रीन भी काफी बड़ी स्क्रीन है, तो आप बिंज वॉचिंग करें या आप गेमिंग करें आपको दोनों ही चीजों में बहुत मजा आने वाला है। स्लिम बॉडी है, काफी स्लिम बॉडी के साथ आता है, पतली बॉडी है लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इतनी भी स्लिम नहीं है। आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया है, वाटर रेजिस्टेंसी के साथ आता है, IPX4 वाटर रेजिस्टेंसी के साथ आता है, तो आसानी से पानी गिरने पर भी खराब नहीं होगा। लेकिन ये है कि IPX4 है तो बहुत ज्यादा भी रेजिस्ट नहीं है, आप कभी ये सोचें कि भाई ठीक है ये तो अब मतलब कितना ही पानी में डाल दो कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, पहली बता दूं। अब 6.56 इंच स्क्रीन है, तो साथ में ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। 5000 mAh बैटरी बहुत मतलब सफिशिएंट बैटरी होती है, इस वक्त आपको कई स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी नहीं देखने को मिल रही है, उससे कम 4500 mAh तक ही जा रहा है। तो 5000 mAh की बैटरी का ऑप्शन मिलना भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि आपको इस बजट सेगमेंट में 5000 mAh की बैटरी एक प्लस पॉइंट है। 33 W के फास्ट चार्जर के साथ आता है, ओप्पो का 33 W ही चल रहा है, तो वो 33 W का फास्ट चार्जर ठीक ठाक अच्छी स्पीड में चार्ज भी कर देता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि इसको अराउंड 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज आराम से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज आपका स्मार्टफोन। आप अपने दिनचर्या का काम करेंगे, सुबह रेडी होंगे ऑफिस के लिए, तब तक स्मार्टफोन टोटली चार्ज हो चुका होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए स्मार्टफोन को तो इसका बैक जो है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा उठा हुआ है ये थोड़ा अगर और हम बिठा सकते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि क्या है कि पहले आपका जो रेक्टेंगुलर बम्प है वो उठता है, फिर आपका कैमरा भी थोड़ा सा बम्प है, उस रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं है वो, थोड़ा सा और बम्प में, तो जब आप फ़ोन रखते हैं तो वो जो डिसेबल थोड़ा सा हिलता डुलता है ना वो थोड़ा सा एक किसी किसी को वो फैक्टर थोड़ा अजीब लगता है, खासकर गेमिंग के दौरान ये जो महसूस होता रहता है ना पीछे, तो मतलब मेरी तो याद होता कि भाई मैं तो उसको फिर ऐसे उंगली करता रहता हूँ फिर, इसलिए मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर सबकी वो बात नहीं होती है। यहाँ पे पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है। फ्रंट सेल्फी की अगर बात करी जाए तो फ्रंट में आपको ये वाटर ड्रॉप जैसा नॉच दिया गया है, तो ये वाटर ड्रॉप के बजाय अगर ये पंच होल होता तो आई थिंक, क्योंकि इस वक्त पंच होल ज्यादा रिक्वायरमेंट में है, क्योंकि वाटर ड्रॉप का एक ये रहता है कि बिंज वॉचिंग के दौरान कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि यार वो वाटर ड्रॉप की वजह से वहां जो कंटेंट होता है वो कट जाता है या छुपता है या फिर आपको स्क्रीन साइज छोटा करना पड़ता है, तो वो एक चीज है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो बेजल्स उसके अलावा बाकी बेजल्स काफी पतले बनाने की कोशिश करेगी, नीचे का बेजल भी बहुत पतला है, मतलब जितना एक मिड रेंज सेगमेंट में आप स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें काफी पतला बेजल है नीचे वाला भी। इसकी कीमत की अगर बात करूं तो ओप्पो K10 की कीमत 17,499 रुपए है, और ये जो स्मार्टफोन है ये लगभग मतलब आप इस स्मार्टफोन को अगर अभी जाके खरीदते हैं तो आपको कुछ ऑफर्स भी मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे जिसकी मदद से आपको 2-3 हज़ार रुपये और कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल ऑन दिस नोट मैं यही कहूंगा कि ये ओप्पो K10 5G एक काफी स्टाइलिश स्मार्टफोन है, दिखने में डेफिनेटली कूल है, सुपर्ब लग रहा है इसका, खासकर ये ओशन ब्लू कलर मुझे काफी पसंद आया। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, इसका फुल ब्लून रिव्यू डेफिनेटली आएगा और काफी अच्छे से हम आपको बताएंगे कि ये क्या वर्थ बाइंग है, एक्चुअली में ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, क्या ये ओप्पो K10 से इतना अलग है उसके बराबर है, या मतलब उसमें पैसा खर्च करना फिर इसमें पैसा खर्च करना कोई वर्थ है या नहीं, मतलब कौन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, और इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये उन्हें कितनी टक्कर दे पाता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है ना, हमारा कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए यार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए यूजर हैं, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और आपको पता है जैसे मैंने हमेशा बोला आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई हम डेफिनेटली करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए, और भाई ओप्पो K10 आपके सामने है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए।